बहुत छोटा सा परिवार है और छोटे से परिवार में थोड़ी थोड़ी अनबन होती है, फिर उसके बाद सब एक ही साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर करते हैं एक्टर को ऐसे टूटा हुआ देखकर। पर जिसको जिस समय पे जैसी दिक्कत हो रही होगी वो वही व्यक्ति समझ सकता है। विवादों से मेरा दूर दूर तक कभी कोई लेना देना रहता नहीं है। क्या कहना चाहेंगे जो कंट्रोवर्सी चल रहा है इंडस्ट्री में लाइव स्ट्रीम को लेकर? खेसारी जी पहले लाइव स्ट्रीम को एक आए थे, उन्होंने बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह मुझे किया जा रहा है, मरने पे विवश, तो आप उनके साथ आसकी पे काम कर रहे हैं, तो इस मुद्दे को आम्रपाली दुबे कैसे देखती है? मुझे लगता है कि ये सब लाइव आके बोलना नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ऑडियंस हमसे इतना प्यार करती है और हमेशा हमें स्ट्रॉन्ग देखना पसंद करती है, तो ऑडियंस को कहीं ना कहीं हर्ट होता है अपने एक्टर को ऐसे टूटा हुआ देखकर। पर जिसको जिस समय पे जैसी दिक्कत हो रही होगी वो वही व्यक्ति समझ सकता है। मैं हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ अलग रखती हूँ, तो मुझे लगता है कि सब ऐसे ही करते होंगे, बट सबका जीवन अलग है, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और उनको और बाकी जो लोग उनको जवाब दे रहे हैं या फिर वो कुछ बोल रहे हैं फिर लोग कुछ बोल रहे हैं, उन लोगों को शायद अपना अपना पर्सनल लाइफ पब्लिक में शेयर करने से शायद कोई दिक्कत नहीं होगी और वो करते हैं ऐसा। तो मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करती हूँ या गलत नहीं कहती, बट अगर मेरी बात हो तो मैं कभी लाइव पे आके ऐसा कुछ ना अपने बारे में ना किसी और के बारे में कभी कह पाऊँगी शायद, शायद से भगवान कभी मुझे उतने मानसिक दुख में ना लाए कि मुझे ऐसे ऐसा कोई कदम उठाना पड़े। बट मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं अपनी ज़िंदगी कभी सोशल मीडिया पर लाइव आके शेयर ना करूँ लोगों से। इंडस्ट्री में जिस तरीके से विवाद है तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री को नीचे ले जाने का काम तो नहीं कर रहा, या फिर ये पब्लिसिटी है, स्टंट है, क्या मतलब ये कैसे इस चीज़ को देखते हैं? आई डोंट नो एक्चुअली, क्योंकि आपने देखा होगा मुझ विवादों से मेरा दूर दूर तक कभी कोई लेना देना रहता नहीं है, तो मुझे पता नहीं है ये लोग क्यों कर रहे हैं या उनसे हो जा रहा है, ये किस वजह से है मुझे जानकारी नहीं है इसकी। बट मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जानबूझ के कर रहा होगा अपनी इंडस्ट्री को नीचे गिराने के लिए, ऐसा तो हमारे कोई स्टार नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। और हो जाएगा, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। हम लोग बहुत छोटा सा परिवार है और छोटे से परिवार में थोड़ी थोड़ी अनबन होती है, फिर उसके बाद सब एक ही साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के डिनर करते हैं, तो छोटी मोटी अनबन होती रहती है हर परिवार में, इस परिवार में भी कभी कभी होती है, और फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे ये पूरी उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा जल्दी। निरहुआ के साथ जोड़ी आपके साथ काफ़ी ज़्यादा वायरल थी, अब खेसारी जी के साथ वायरल हो रही है, लोग कह रहे हैं कि निरहुआ जी को छोड़ के अब आम्रपाली दुबे खेसारी जी के साथ फिल्में करने वाली हैं लगातार बैक टू बैक, तो इसको ऊपर क्या कुछ है? अरे बाप रे बाप मतलब क्या मैं फिल्म नहीं करूँ तो क्या करूँ? मैं डॉक्टरी तो कर नहीं सकती अभी, इंजीनियर अभी बन नहीं सकती, और बाकी कोई जॉब करने में मुझे मज़ा नहीं आएगा। मुझे थोड़ा आपको साइड होना, मुझे रहना तो फिल्मों में मैं ही है, तो फिल्म ही करूँगी ना, तो मुझे जब तक अच्छी फिल्में अच्छी स्क्रिप्ट्स मिलती रही दिनेश जी के साथ मैंने किया, अभी भी बहुत सारी अच्छी फिल्में मेरी लाइंड अप है दिनेश जी के साथ आगे, और मुझे खेसारी जी के साथ भी पहले भी फिल्में ऑफर होती थी, लेकिन इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट नहीं होती थी, बहुत बेसिक स्क्रिप्ट होती थी जिसमें हीरोइन का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता था, तो मेरा मन नहीं करता था करने का। अब मुझे जाके ऐसी स्क्रिप्ट मिली जिसमें हीरोइन का बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस वाला रोल है, तब मैंने खेसारी जी के साथ फिल्म की, और आगे भी हम लोग एक और फिल्म करने जा रहे हैं डोली सजा के रखना, उसके डायरेक्टर रजनीश मिश्रा जी हैं, मैं और खेसारी जी करने जा रहे हैं, उसकी भी कहानी बहुत अच्छी है और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा है, तो जब भी मुझे ऐसी कहानी मिलेगी और अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा मैं ज़रूर फिल्में करूँगी। ऐसा नहीं है कि दिनेश जी को छोड़ के खेसारी जी के साथ फिल्म करूँगी या कभी खेसारी जी को छोड़ के दिनेश जी के साथ फिल्म करूँगी, इवेंचुअली तो हम लोग सब एक ही कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करते हैं ना एक दूसरे से कि आप लोग कैसे हैं, सब ठीक तो है ना, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं किसी को छोड़ के किसी के साथ काम करूँ। मैं बस अपना काम करती हूँ, ना किसी को छोड़ती हूँ ना किसी को पकड़ती हूँ, अपना काम करती हूँ बस। सिंपल सी बात है, मैडम ने बता दिया है कि वो खेसारी जी के साथ भी काम करेंगे और निरहुआ जी के भी साथ काम करेंगे। I'm sorry.
और पवन जी के भी साथ है? पवन जी के साथ इंडस्ट्री में जितने हीरो हैं सबके साथ काम करूंगी, बस स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि वही तो मेरा जॉब है ना, और किस काम के लिए आई हूँ मैं? इतना मेहनत करके, इतने ऑडिशंस करके, इतना स्ट्रगल करके क्यों हीरोइन बनी? काम करने के लिए, तो अब काम कर रही हूँ। मैम 2021 में आपको कौन कौन से ब्लॉकबस्टर बॉक्स ऑफिस पे छाने को एकदम तैयार है? सबसे पहले तो अभी रिलीज़ पर हमारी कुछ फिल्में हैं, जिनमें से एक का नाम है ठीक है, उसमें मैं और दिनेश जी हैं। उसके बाद हमारी फिल्म बन के तैयार है, जिसकी जो अभी एडिटिंग हो चुकी है, डबिंग प्रोसेस में है। उस फिल्म का नाम है, अभी नाम पे थोड़ा सा डाउट है, दूल्हा हिंदुस्तानी है या दूल्हे राजा है, वो कंफर्म नहीं हुआ है। उसमें मैं हूँ, दिनेश जी हैं, मधु शर्मा जी हैं। वो भी फिल्म एक बहुत अच्छी है, हमने लंदन में शूट किया है उस फिल्म को। और कई सारी फिल्में हैं अभी, बहुत सारी फिल्में लाइंड अप हैं जिनके टाइटल्स नहीं हैं, बट फिल्में बन के तैयार हैं। हम अच्छे अच्छे टाइटल ढूंढ रहे हैं, हार्ड हिटिंग टाइटल्स, और वो सारी फिल्में बहुत जल्द आएगी आप लोगों के बीच। अभी मैं करने जा रही हूँ निरहुआ एंटरटेनमेंट की एक फिल्म, जिसका नाम है इज्जत घर, और वो भी एक बहुत अच्छी कहानी है। एक कपल की स्टोरी है कि उनके लाइफ में एक वॉशरूम कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और टॉयलेट एक प्रेम कथा से एकदम ही अलग है। रियलिस्टिक फिल्मों का जो चलन नहीं है भोजपुरी में, वो स्टार्ट हो रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आशिकी भी वैसी ही रियलिस्टिक ही फिल्म है, और इज्जत घर भी वैसी रियलिस्टिक ही फिल्म है। और मैं अपनी तरफ से अभी यही कोशिश करूँगी कि हमारे समाज में जो जो दिक्कतें बची है थोड़ी बहुत, उनके ऊपर फोकस करके सिनेमा किया जाए, ताकि हम अपनी कला के माध्यम से लोगों को बता सकें कि क्या गलत हो रहा है समाज में, और हमें मिलके क्या बदलना है।